हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 नंबर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को। और इस 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पूरे पूरे पा जाओगे। जैसा कि यहाँ पर जो 4 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ है, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न लिखा हुआ है, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे, और ये 4 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे यदि आप इस प्रश्न को तैयार कर लोगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से डाल देना है, जिस भी प्रश्न में पूछा जाए, हो सकता है प्रश्न संख्या 8 में ये प्रश्न पूछ लिया जाए या प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 लिखा हो, कैसा भी हो, क्योंकि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। इसके बाद यदि पेपर में क्रम दिया होगा 21, 22, 23 तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 होगा। तो जो भी होगा यहाँ पर आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे इस तरह से, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे लिखा है, यहाँ पर इस साइड में सेवा में आपको लिख देना है, कामा लगा देना है, फिर इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर कामा लगा देना है, फिर यहाँ विद्यालय का नाम आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा हुआ है आदर्श इंटर कॉलेज जौनपुर, आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ देने के बाद आपको यहाँ पर महोदय और इसके बाद यहाँ पर कामा लगा देना है। अब आपको लिखना क्या है, जैसे कि आकस्मिक अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो उस आकस्मिक अवकाश का कोई ना कोई तो कारण होगा, क्यों आप आकस्मिक अवकाश यानी छुट्टी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। निवेदन क्या है कि आज जब मैं कॉलेज आ रहा था उसी समय मेडिकल चौराहे पर जब मैं पहुंचा तो मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई, मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है, मेरे दोनों पैरों पर और मेरे सिर पर चोट लग गई है, यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है, पहले तो मैंने प्राथमिक उपचार करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ, लेकिन दर्द के कारण मैं कक्षा में पढ़ नहीं सकता, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का, यहाँ पर आप लोग दिनांक डाल दीजिएगा, उदाहरण स्वरूप यहाँ पर मैंने लिखा है 15 व 16 अप्रैल 2023-24 यहाँ पर आप लोग लिख देना है, का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो देखिए बिल्कुल आसान सा है लिखने का तरीका, आप सेम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कि सविनय निवेदन है कि आज काले जाते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई, मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है, यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 15 व 16 अप्रैल 2023-24 का
आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर इस तरह से आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर इस साइड में आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर का खा गा, और नीचे आपको लिखना है कक्षा 10 आ, सेक्शन आ यानी ए, और यहाँ पर दिनांक यहाँ पर आप डाल देंगे जिस तारीख से यहाँ पर आपको अवकाश चाहिए। उदाहरण स्वरूप 15/4/2023-24। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पर लिखा जाएगा, और जितनी भी लड़कियाँ हैं यहाँ पर शिष्या लिखेंगी, आपका आज्ञाकारी शिष्या नहीं होगा, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। जो भी बालिकाएं हैं जो बोर्ड परीक्षा में इस प्रार्थना पत्र को लिखेंगी, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या यहाँ पर इस तरह से, और जितने भी बालक हैं यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यह भी चीज ध्यान में रखिएगा, अन्यथा 4 नंबर आपके कट जाएंगे। तो क्या सावधानियाँ हैं, क्या आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।